Thank you all for coming. As I said, my purpose was to informally introduce myself to you all. जो ऑफिशियल वर्जन दवांगी कुछ किसी लोगों के उदों कर लियो तो सी माय वेरेवर आई गो द फर्स्ट थिंग आई डू इज मीटिंग ऑफिसर्स एंड मीटिंग द प्रेस यू आर आल्सो आवर सिटीजंस एंड आल्सो यू आल्सो कवर क्राइम एंड पुलिस फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप बहुत पास से क्राइम को भी कवर करते हो तो जनरल पब्लिक नालों भी तुहानू एडवांटेज है तो तुसी सानू बैटर फीडबैक दे सकते हो प्रेस इज ऑलवेज आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ होल्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल एंड इट रियली हेल्प्स मी इट हैज हेल्प मी इन ऑल माय असाइनमेंट्स टू होल्ड माय फोर्स अकाउंटेबल और हमें भी इजी हो जाता है तो योर फीडबैक योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम एंड वी विल ट्राई कि जड़ी जड़ी प्रॉब्लम्स द सिटीजंस आर फेसिंग एंड whatever the pressing issues are, we'll try to address them as soon as possible and as effectively as possible. आइए किस तरह दिया था उसी we can discuss it as an open discussion and a very informal discussion which I wanted to do. तो आज जो कोई कुछ पूछना चाहता होगा पूछना चाहता होगा. हाँ मैं भी ये कि ठीक की प्रायोरिटी जान वाली है बड़ी कई हालांकि पहला भी एसएसपी रहे उसी सेकंड लेडी खासकर जिधि लेडी हैं उनका वास्ते या फिर वो किस तरह भी तो देखो एस एस पी चाहे लेडी हो चाहे मेल होवे एज एज अ पॉलिसी गवर्नमेंट जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उन्होंने प्रति सारी सेंसिटिव होंगे हैं तो साड़ी भी सेम ही रहेगी एज अ पुलिस ऑफिसर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज फर्स्ट प्रियोरिटी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम इज सेकंड प्रियोरिटी कम्युनिटी पुलिसिंग इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी टू हेल्प बेटर पुलिसिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग मीडिया ओपन कम्युनिकेशन एंड एक्सट्रीमली जीरो टॉलरेंस टू एनी क्रिमिनल एलिमेंट मतलब कोई क्रिमिनल एलिमेंट कोई स्ट्रीट क्राइम स्नैचिंग जेड़ी भी पब्लिक में तंग आती है व्हीकल चोरी घर चोरी मतलब इट विल बी डेल्ट विद स्ट्रिक्ट हैंड तो थोड़ी देर ची आई एम श्योर कि रिजल्ट देखने को मिलेंगे सारे चंडीगढ़ मॉर्निंग बॉर्डर पे कौमी शाम मोर्चा का धरना काफी समय से 8 फरवरी को जो घटना ऐसी तो आ रहा है ना हो में देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन जिवें तुहानू पता है मतलब यू हैव बीन हियर तुहानू मेरे तो ज़्यादा ही पता होना मैं तो हमने आके आई एम गेटिंग हैंग ऑफ द इशू तो जो भी स्ट्रैटेजी है मतलब जॉइंट स्ट्रैटेजी होएगी तो आई एम श्योर उन्होंने जो भी हूँ तक एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स हुए हैं उस तो अगे असं उन्होंने होर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे हूँ तक भी बड़ा काम हुआ है बाकी कोशिश तो यही रहती है एडमिनिस्ट्रेशन की कि लॉ एंड ऑर्डर ना खराब होगा उसके लिए जो भी मेजर्स पहले भी लिए जा रहे हैं हूँ भी लवेंगे तो थोड़ा जहा एक्टिवली प्रोएक्टिवली होकर काम करेंगे ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਚੱਲੀ ਓਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਓਪਨਡ ਅਪ ਦ ਨਾਈਟ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਟ ਥ੍ਰੀ ਏ ਐਮ ਦੇ ਅਲਾਊਡ ਦ ਕਲੱਬਸ ਟੂ ਓਪਨ ਯੈਸ ਸੋ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਨਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਦੀ ਯੈਸਟਰਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਅਤੇ ਲੋਅ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बट वी विल इंश्योर कि किसी की लिबर्टी से भी कोई असर ना पवे वट एवर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड वो अच्छी तरह इंप्लीमेंट करिए तो उन्होंने सपोर्ट करिए सुबह एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करन च वी विल इंश्योर लिबर्टीज देन च ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करन च कई बार थोड़ा जा हो जाता है बट वी विल इंश्योर कि किसी की लिबर्टी से भी कोई असर ना पवे वट एवर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड वो अच्छी तरह इंप्लीमेंट करिए तो उन्होंने सपोर्ट करिए सुबह एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करन च वी विल इंक्रीज पेट्रोलिंग इंक्रीज पुलिस प्रेजेंस तो कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट उत्थे ना जाके कोई गड़बड़ करे भी असं इंश्योर करा विद एक्सट्रा डिप्लॉयमेंट जी मैम कल मैम शाम का ऑर्डर मिले हैं कि भी एसएसपी चंडीगढ़ के एसएसपी चेंज नहीं कर सकते एसएचओ वगैरह जी जी क्लियरली मैम ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬੈਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਈ ਐਮ ਯੈਟ ਟੂ ਗੋ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਯੈਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਯੈਟ ਟੂ ਗੋ ਸਿਟ ਇਨ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
कौमी शाम मोर्चा के 8 फरवरी को घटना घटी, इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी करीब जी जी हाँ जी हाँ जी गिरफ्तारी मैम थी जी जी मेरी नॉलेज में है, मैंने भी केस फाइल भी देखी है, मंगा के वो भी देखेंगे और डिटेल में उसकी हम वो करेंगे, मैं आई एनालाइज द केस एंड उसके बाद जो भी होगा लीगली एज पर लीगल लॉ एंड रूल्स एक्शन विल बी टेकन। कोई थोड़ी फीडबैक भी मैं दो प्लीज, तुम मतलब वट आर द प्रेसिंग इशूज दैट यू थिंक सिटीजन आर फेसिंग, तुम हाईलाइट करते रहते हो, तुम कौड़ों क्राइम को देखते भी हो। Snatching is one major issue which everybody is talking about. Yes. And it is happening rapidly. जी जी सो दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न। नहीं बिल टेक जी होगा। हाँ जी हाँ जी एक मैम स्नैचिंग का इशू ये है कि स्नैचिंग जब भी यहाँ पे हो रही है ना, एक दो केस मैंने खुद देखे हैं, जब भी करूँगा अभी, लेकिन स्नैचिंग होने के बाद डीडीआर जो करते हैं वो घूम गया मोबाइल, ये आपकी नॉलेज में डालने के लिए। नहीं नहीं बिल्कुल जी, कई बार हर जगह यही कंप्लेंट होती है सिटीजन की, किसी स्नैचिंग भी किया, चोरी का डीडीआर वगैरह करती, वी विल इंश्योर कि जी स्नैचिंग हुई है, एफ आई रजिस्टर हो गई, इफ द पर्सन इज रेडी टू कम फॉरवर्ड एंड गिव अ कंप्लेंट तो ट्रेस हो गए। इवन इफ इट इज अ लॉस्ट मोबाइल वी विल इंश्योर कि जो लॉस्ट मोबाइल भी है उन्होंने भी असं प्रॉपर रिकवर करिए, ताकि जो कोई स्नैच भी होया ना तो वो भी रिकवरी हो जाए तो बंदा फड़िया जाए। सो दैट विल बी इंश्योर जी, तो एक सिस्टमैटिक तरीके असं करते रहे, पहले भी करते रहे, दिस इज माई फिफ्थ एस एस पी शिफ्ट, तो सिस्टमैटिक तरीके असं करा जी, तो वी विल इंश्योर कि सारे बंद मतलब ये ठल पवे तो सिस्टमैटिकली सॉल्व हो। मैम एक बोल रहे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सल जाए वो प्रोटेस्ट कर दी है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह दी हुई है सैक्टर 25 उसे तुम प्रोटेस्ट करो, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन नाल कोई तालमेल थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियस जरा तुम कोई जगह दी हुई है तुम उत्थे करो, लेकिन पोलीटिकल पार्टी की रोड बंद हो गया है ना, वो तो लोगों को प्रॉब्लम तो है ही ना पूरे पूरे दिन की। नहीं देखो एडमिनिस्ट्रेशन वालों पहले टाइप भी रहते सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कई बार दे आर रेडी टू कोऑपरेट, कई बार नहीं भी होंगे रेडी टू कोऑपरेट, उन्होंने भी एनालाइज करेंगे, कोशिश करेंगे सारे नाल रबता करके उत्थे ही करिए जो रूल तो लॉ अलाउ करता है, जो नहीं करेंगे तो ड्यू एक्शन विल बी टेकन, मतलब दिस इज वेरी क्लीयर। हाँ जी कन्विक्शन हो गए पंजाब, पता भी होना कन्विक्शन हैज गॉन फ्रॉम 70-80% नाउ, तो वो भी इंश्योर करेंगे, पैर भी प्रॉपर इंश्योर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इंश्योर करेंगे केसेस की, रेगुलर क्राइम मीटिंग्स करेंगे SHOs ना, ताकि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जल्दी निपटारा हो गए, तो हूँ बिकॉज इनक्रीजिंगली NDPS के केसेस हो रहे हैं वो भी इंश्योर करेंगे कि डिफॉल्ट बेल ना किसी की हो बंद सज़ा हो कन्विक्शन रेट भी साडा बढ़े एंड वी प्रॉपर इंश्योर इन कोऑर्डिनेशन विद जुडिशरी एंड प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल करांगे जी। Ma'am, you've been part of the city as a civilian. So, what changes you notice now as an officer? So I was mentioning to many people ki main ta hum citizen de perspective to hi dekhe, now I see from the other perspective. That's why interaction with you was more important, because you are a citizen and you have dealt with crime from a very close eye. The feedback that you can give me, oh, neutral bhi ho te tusi crime mein kodon bhi dekhe hai, hai na? Ta oh jehda tade kol perspective hai oh hor kito milna aukha hai. ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 10 ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਆਏ ਪਾਸਡ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਪੈਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਮ NDPS ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੀ, ਕੁਝ ਉਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈ यू आर राइट जी, कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनको हम बोलेंगे जहाँ पे NDPS का काम ज्यादा है, ड्रग्स मिल रहे हैं हमें, इन्फॉर्मेशन आ रही है, माई CID विंग इज ऑल्सो एक्टिव, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जनरल पब्लिक भी देनी शुरू कर रही है, तो हम जल्दी एक नंबर भी सर्कुलेट करेंगे जहाँ पे व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन मेरे पास डायरेक्टली आ जाए, ये हम काफी जगह मैंने किया, बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि लोग आमतौर पर NDPS केसेस की इन्फॉर्मेशन देने से डरते हैं, क्योंकि जो देते हैं वो काफी क्लोज होते हैं पेडलर्स के,
तो वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते, तो जैसे ही हम अनोनिमिटी ले आते हैं वो बताते हैं उनके बारे में और उन पर हम डायरेक्ट एक्शन करके उनको पकड़ते भी रहे हैं। तो दो तीन स्ट्रैटेजीज हैं हमारी, जल्दी हम उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और जो हॉटस्पॉट है उन पर एक्स्ट्रा फोकस रखे हम करेंगे और रिकवरी भी होगी और कंट्रोल भी होगा। जी जी मैम, जो बीट सिस्टम है एनसीबी ओवर द इयर्स इट हैज बिकम ऑप्शन। जी 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 अर्लियर द बीट स्टाफ यूज्ड टू विजिट द हाउसेस बट जो अब नहीं हो रहा है, सो एनी प्लान ऑफ। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस यू ऑल ऑफ यू, दिस आल्सो आई एनालाइज एंड आई हैव बीन टोल्ड कि बीट सिस्टम जो पहले बड़ा इफेक्टिवली चल रहा था वैसे नहीं है, तो आई विल रिव्यू, मतलब एक दो हफ्ते हमें लगेंगे रिव्यू करने में। इफ देयर इज नीड ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन टू रीबूट द बीट सिस्टम दैट विल ऑल्सो बी डन एंड वी विल इंश्योर कि जो बीट ऑफिसर्स हैं वही अपने एरिया के जिम्मेवार हैं। तो डेली हम कुछ ना कुछ इनको टास्क भी देते हैं, विल इंश्योर कि बीट ऑफिसर्स ही वो करें और उनसे हम फीडबैक लें। मैडम चंडीगढ़ में इतना साइबर क्राइम दे पिछले दिनों बहुत मेजर केसेस हो रहे हैं, तो जिस तरीके कॉलर्स लोगों को फोन करते हैं काफी केसेस हैं जो आगे जो साइबर क्राइम से रिलेटेड ज्यादा बढ़ेगा, उन्होंने लोगों के लिए क्या कर रहे हो? हालांकि साइबर क्राइम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं करिए ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 1930 ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਰੈਸਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਡਰੈਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਨ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੇਸਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FIR ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ DGP ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ। अपना खदशा जाहिर करे न्यूट्रैलिटी का, इतने भी आपां कई बार क्राइम ब्रांच कर देंगे, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਮਨੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਵਰਟਿਡ ਬੈਕ। ਔਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ SSP ਰਹੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿਡ ਬਿਫੋਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਫੋਰ ਐਵਰੀਵਨ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰਿਡਰੈਸਿੰਗ ਮੈਸ਼ਰਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਫੋਰ ਟੀ। ਹਾਂਜੀ ना करने की बात उसमें है ही नहीं जी।
आप पढ़ लीजिए जी, ट्रांसफर भी नहीं है और कर भी ना करने की बात भी उसमें नहीं है, बट जब मेरे पास आप पढ़ लीजिए ऑर्डर, बट जब मेरे पास पेश होगा वो भी हम प्रेसिडेंस वगैरह देख लेंगे, बट ना तो उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं लिखा और कार्रवाई नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं लिखा उसमें। आप एक बार ध्यान से पढ़ लें इसको, फिर हम डिस्कस कर लेंगे चाय पे।